ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। यह टॉपिक कम्पिटिटिव और बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सल्फर के ऑक्सी अम्ल को 4 सीरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सल्फ्यूरस एसिड सीरीज, सेकेंड थायोनिक एसिड सीरीज, थर्ड सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज, फोर्थ पराक्सी सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज। हम लोगों ने पिछले 2 वीडियोज में सल्फ्यूरस एसिड सीरीज और थायोनिक एसिड सीरीज को डिटेल में अध्ययन किए। आज हम लोग सल्फर के जो 4 सीरीज होते हैं उनको डिटेल में अध्ययन करने जा रहे हैं। सल्फ्यूरस एसिड सीरीज में जो सल्फर के ऑक्सी अम्ल होते हैं वो 4 होते हैं। फर्स्ट H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, जिसमें सल्फर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर +4 होती है। H2S2O2 थायोसल्फ्यूरस एसिड, इस ऑक्सियम में सल्फर एलिमेंट 2 हैं। इसमें जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर एलिमेंट की आती है वो +1। H2S2O4 डाइथायोनस एसिड और हाइपोसल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर जो एवरेज आती है, क्योंकि सल्फर यहाँ पे 2 है तो एवरेज जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 होती है। लास्ट H2S2O5 जिसे पायरोसल्फ्यूरस एसिड और डाइसल्फ्यूरस एसिड भी कहते हैं। इसमें सल्फर एलिमेंट 2 है तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो सल्फर की आती है वो +4। तो सल्फ्यूरस एसिड सीरीज में सल्फर के 4 ऑक्सी अम्ल होते हैं। सल्फ्यूरस एसिड जिसमें सल्फर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर +4, थायोसल्फ्यूरस एसिड जिसमें सल्फर की एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर +1, डाइथायोनस एसिड और हाइपोसल्फ्यूरस एसिड जिसमें सल्फर एलिमेंट की एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर +3, पायरोसल्फ्यूरस एसिड और डाइसल्फ्यूरस एसिड जिसमें सल्फर एलिमेंट की एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर +4 होती है। सेकेंड थायोनिक एसिड सीरीज, जिसका जनरल फार्मूला H2SNO6 जिसे पॉलीथायोनिक एसिड कहते हैं। फेयर N=2, N=2 R3 R4, यानी N का जो वैल्यू है 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी। N=2 तो H2S2O6 ऑक्सी अम्ल सल्फर का बना, जिसका फार्मूला है H2S2O6। इसका नाम है डाइथायोनिक, डाई मीन्स N=2, पाली तो N=2, तो पाली की जगह क्या हो जाएगा, डाइथायोनिक एसिड। इस एसिड का जो नाम है डाइथायोनिक एसिड। N=4 H2S4O6, N की जगह पे 4, तो पाली मीन्स टेट्रा मीन्स 4, पाली थायोनिक एसिड है। N=4 इसका नाम हो गया टेट्रा थायोनिक एसिड।
तो डाई थायोनिक एसिड में सल्फर की जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आती है वो प्लस सिक्स, ध्यान से देख लीजिए, सल्फर एलिमेंट इस एसिड में टू है, तो एवरेज जो ऑक्सीडेशन नंबर आती है डाई थायोनिक एसिड में सल्फर की वो प्लस सिक्स, टेट्रा थायोनिक एसिड में सल्फर की फोर सल्फर एलिमेंट हैं तो सल्फर एलिमेंट की एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2.5 होती है, एस इक्वल टू प्लस 2.5 टेट्राथायोनिक एसिड। तो अगला सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज जिसमें सल्फर के थ्री ऑक्सी अम्ल आते हैं, फर्स्ट H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सिक्स, सेकेंड H2S2O7 पायरो सल्फ्यूरिक एसिड और डाई सल्फ्यूरिक एसिड, H2S2O7 जिसका नाम है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड या डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसे कॉमन नेम में ओलियम भी कहते हैं, इसमें सल्फर की एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो प्लस सिक्स है, प्लस सिक्स। थर्ड H2S2O3 जिसे थायो सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, इसमें सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर वो है प्लस टू। फोर्थ पराक्सी सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज जिसमें सल्फर के टू ऑक्सी एसिड आते हैं, फर्स्ट H2SO5 इसमें पराक्साइड बांड भी बनता है। पराक्साइड बांड क्या है? जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम के मध्य बांड फॉर्म हो उसे पराक्साइड बांड कहते हैं, पराक्साइड बांड कहते हैं। तो पराक्सी सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज में दोनों ऑक्सी अम्ल में पराक्साइड बांड बनता है, इसलिए नाम दिया गया पराक्सी। क्या नाम दिया गया है? पराक्सी। क्यों? क्योंकि पराक्साइड बांड बन रहा है। कौन सा बांड बन रहा है? पराक्साइड बांड। तो फर्स्ट जो है H2SO5, S की संख्या एक है, इसे इसका नाम है पराक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पराक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड या कैरोज एसिड, कैरो अम्ल कहते हैं। इसमें सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्लस सिक्स, सेकेंड H2S2O8 इसमें सल्फर एलिमेंट की जो संख्या है टू है, इसलिए पराक्सी डाई, डाई मीन्स टू, पराक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पराक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड या मार्शल्स एसिड, मार्शल अम्ल कहते हैं। इसमें सल्फर की एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सिक्स होती है। तो इस प्रकार सल्फर की ऑक्सी अम्ल को फोर सीरीज में डिवाइड किया गया है। सल्फ्यूरस एसिड सीरीज में सल्फर के फोर ऑक्सी अम्ल आते हैं, डाई थायोनिक एसिड सीरीज में सल्फर के टू ऑक्सी एसिड आते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज में सल्फर के थ्री ऑक्सी अम्ल होते हैं, पराक्सी सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज में सल्फर के टू ऑक्सी अम्ल होते हैं। इस प्रकार सल्फर के ऑक्सी अम्ल जो हैं 1, 2, 3, 4,
5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 9, 10, 11. फिर से देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11. तो कुल सल्फर की ऑक्सी अम्लों की जो संख्या है वो 11 है। यूपी बोर्ड के लिए या सीबीएसई बोर्ड के लिए सल्फर के ऑक्सी अम्ल, फर्स्ट सल्फ्यूरस एसिड, सेकेंड टेट्राथायोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, पराक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पराक्सी डाईसल्फ्यूरिक एसिड, इसका अध्ययन करेंगे। बाकी जो ऑक्सी अम्ल हैं वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सल्फर का जो ऑक्सी अम्ल है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो इस प्रकार से इन्हें रखा गया है, इसको ध्यान से देख लीजिए। और यह टॉपिक जो है कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स बनते हैं, तो इसे ध्यान से प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखते जाइए और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फ़र कितने होते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।